हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RCS क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSc सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम एक और टॉपिक का लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हम ऑलरेडी पिछले कुछ क्लासेस में बहुत सारे टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं, उसी को ही कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रेट इक्वेशन फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इसका हम पूरा डेरिवेशन देखने वाले हैं, इससे रिलेटेड हम कुछ और भी टॉपिक्स पर भी बातें करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को स्टार्टिंग से बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो जरूर चेकआउट कर लीजिए। एटलीस्ट आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जरूर पढ़ लेना चाहिए जो कि हमारा लास्ट लेक्चर है, जिससे यह कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फिर पूरे प्लेलिस्ट को अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आई बटन पर भी आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सभी चीज़ों को नोट डाउन करना चाहते हैं, अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, हर एक चीज़ को नोट डाउन करते रहिए, अपने नोट्स खुद से बनाइए। अगर अभी नोट्स नहीं बना रहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक एक करते हुए सभी चीजों को ध्यान से देखते हुए चलिए, हमने ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर में यह बात कर लिया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम किसे कहते हैं, हमने पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा था, देन उसमें हमने एग्जांपल्स में भी बातें कर लिया था और उसके यूनिट्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अलग अलग मेथड से, इस पर भी हमने बातें कर लिया है। तो उसी को ही कंटिन्यू करते हुए अब आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग लगाइएगा रेट इक्वेशन। ठीक है, रेट इक्वेशन या फिर इसी को ही कहा जाता है ORR लिखिएगा रेट। ठीक है, रेट ला लिख लीजिए या फिर आप ऐसे लिख लीजिए, चलिए इसे मत लिखिए। ठीक है, या फिर आप इंटीग्रेटेड रेट ला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख सकते हैं, चलिए मैं लिखवा दे रहा हूं। ठीक है, ORR इंटीग्रेटेड रेट ला फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, तो ये हमारे पास हेडिंग है। अब इसमें हम क्या बात करने वाले हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो इंटीग्रेटेड रेट ला या फिर अगर हम कहें रेट इक्वेशन, जो कि हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी कैलकुलेट किया है, ड्राइव किया है, उसी के बारे में ही अब यहां पर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करने वाले हैं। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, सारी चीजें आपको समझ में आएंगे धीरे धीरे करते हुए, बस आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, कंसीडर सपोज कर लेते हैं। ठीक है, कंसीडर आप लोग सपोज करिएगा एक रिएक्शन, ए जनरल रिएक्शन। ठीक है, ए जनरल रिएक्शन, और यह जो रिएक्शन है ना, यह हम सपोज कर रहे हैं कि यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि यह हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो जो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं, जो कि हम सब बस नॉर्मली यहाँ पर हम रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास ए से प्रोडक्ट पी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो इस प्रकार ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम सपोज कर रहे हैं कि अभी हमारा रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, रिएक्शन स्टार्ट ना होने का मतलब कि हमारे पास टाइम अभी जीरो है, मतलब कि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में हम उसे मैथमेटिकली टी इज इक्वल टू जीरो टाइम कहेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हम सपोज करते हैं कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वह ए नॉट है, तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा। ओके,
अब यहाँ पर टी इज इक्वल टू टी समय पश्चात, मतलब कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, उसके बाद हमने देखा कि अब रिएक्शन करीब 2 घंटे बाद हम देखना चाह रहे हैं, तो टी इज इक्वल टू टी समय पर, यानी कि किसी दूसरे समय पर हम चेक कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमने देखा कि रिएक्टेंट ए का जो कंसंट्रेशन है वह अब ए बचा हुआ है, ठीक है। ये बस हम रिएक्टेंट को डिनोट करने का तरीका आपको दिखा रहे हैं कि हमने इनिशियल कंसंट्रेशन को इससे डिनोट किया और किसी समय पश्चात आफ्टर टाइम टी हमने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सपोज कर लिया कि ए बचा है, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, आपको रिएक्शन पर डिपेंड करता हुआ नजर में आएगा, आपको बाद में मैं इन चीजों के बारे में समझाऊंगा भी, ठीक है। तो प्रोडक्ट का कुछ कंसंट्रेशन बनेगा ही, यह बात तो हम जानते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एक्स बना हुआ है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमें प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, हमें रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर ही सारी बातें करनी रहती हैं। तो इसलिए यहां पर आपको ध्यान रखना है कि t इज इक्वल टू जीरो टाइम पर इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास a नॉट है, आफ्टर टाइम t हमारे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन a हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम इन चीजों को वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, अब इस पर बातें कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन यहीं से अब स्टार्ट हो चुका है। तो जब हम डेरिवेशन पर बात कर रहे हैं तो एक एक चीज को मैं समझा दिया, तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसे लिख भी लेते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्या वीडियो चल रहा है। हाँ, प्रॉपर चीजें सभी सही चल रही हैं, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखिए लेट, ठीक है, लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट ए है, इज वो क्या है, हमारे पास ए नॉट है, ठीक है। वैसे तो मैं चाहता तो आपको डेरिवेशन के मतलब जो चीजें अभी समझा है ना उसी से ही ड्राइव कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग चीजों को नोट्स के फॉर्मेट में लिखते रहे, इसलिए मैं चीजों को लिखवा भी रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या बोला कि द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इज ए नॉट, एंड यहां पर आप लोग सपोज कर लेते हैं कि आफ्टर टाइम टी, ठीक है, आफ्टर टाइम टी यानी कि टी समय पश्चात द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बिकम्स, ठीक है, हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, बिकम्स, या हम सपोज कर ले रहे हैं कि ए हो चुका है, ठीक है, या कंसंट्रेशन ऑफ ए हो चुका है। तो ऐसा सिचुएशन में हम कहेंगे देन दी, ठीक है, देन ऐसे लिखिए। तो इस रिएक्शन का अगर हम रेट लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, तो हम सभी जानते हैं कि रेट को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो हमने अपने पहले और दूसरे लेक्चर में ही रेट लिखना सीख लिया था, रिप्रेजेंट करना सीख लिया था कि अगर कोई भी रिएक्शन है तो उसका हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी का ही हम उपयोग कर रहे हैं। तो जो इसका रेट होगा, चूंकि यह रिएक्टेंट है इसलिए इसका रेट हम लिखेंगे तो निगेटिव होगा। देन यहां पर हमारे पास डी आएगा और कंसंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा एंड अपॉन में डी टी हो जाएगा, ठीक है, ये बातें तो हम पहले से समझ रहे हैं। तो इसे हम सपोज कर लेते हैं कि यह हमारे पास एक इक्वेशन वन है, ठीक है। अब यहां पर चूंकि हमने यह बात बोला है, क्या बात बोला है, कि सिंस दिस रिएक्शन, ठीक है, यह जो रिएक्शन है इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, यह क्या है, यह एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, हमने यह बात पहले ही यहां पर बोल दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बातें कर लिया है, क्या बातें किया है, कि दी देन यहां पर लिख लीजिए देन दी रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, देन दी रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration, ठीक है, to the concentration of the reactant,
ठीक है, ये बातें तो हम पहले से ही जानते हैं कि चूंकि यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उस प्रकार के रिएक्शन को कहते हैं जिसमें हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने वही चीज़ें यहाँ पर लिख दिया। तो इस प्रकार अगर हम इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो हम सभी जानते हैं कि इसका जो रेट होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए के। अब यहां पर चूंकि हम प्रोपोर्शनल साइन हटाना चाहते हैं इसलिए यहां पर रेट जो होगा वह हो जाएगा K कंसंट्रेशन ऑफ A हो जाएगा। ठीक है, और हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखा था कि जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा था, इसलिए हमने A जीरो लिखा था। यहां पर हमारे पास K A हो चुका है, तो इस प्रकार यह हमारे पास दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, तो यह भी हमारे पास इसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, यह भी जो हमारे पास रेट है वह इसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, और किसी भी रिएक्शन के जो रेट ऑफ रिएक्शन हो सकते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नहीं हो सकते, यानी कि सेम ही हो सकते हैं। तो इस प्रकार यह दोनों रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वह सेम होगा, यानी कि इक्वल होगा। तो इस प्रकार हम इसे इक्वेट कर सकते हैं। तो यह हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का उपयोग करेंगे। तो आप लोग इतनी चीजों का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम अगले पॉइंट्स पर बातें करते हैं। शॉट हो चुका होगा तो अब चीजें मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग छाप चुके होंगे, लिख चुके होंगे, तो मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, हमने इन चीजों पर बात करना स्टार्ट कर दिया है, अभी हमने जस्ट इंट्रोडक्शन चीजों को देख लिया है कि एक्चुअली हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आप लोगों को ना दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हुए चलना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप लोग अलग अलग ही पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप एक को पढ़ेंगे आपका दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर बात करना स्टार्ट किया, आप लोगों को सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पर भी बातें करना है। ठीक है, उन चीज़ों को भी समझना है, तो ऐसा सिचुएशन में आपको एक एक करते हुए जब आप तीनों को कंपेयर करेंगे ना तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, खैर अगर धीरे धीरे करते हुए सीखते ना, जल्दीबाजी क्या है, आप लोग आराम से पढ़िए, हर एक चीज़ को नोट डाउन करिए, आराम से घर पे बैठकर रिवीजन ज़रूर करते रहिए। लेक्चर्स देखने से कुछ नहीं होता, ठीक है, लेक्चर्स देखने के बाद आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को लिखिए, जो चीज़ें मैं नोट्स के फॉर्मेट में लिखवा रहा हूँ पहले कॉपी में लिखिए, फिर पढ़िए, फिर रफ में लिखिए, तभी आपका काम हो सकता है। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम तो सब्जेक्टिव ही होंगे इस बार जहाँ तक मुझे पता है। तो फिलहाल इतनी चीज़ें आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलिए अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है इस पर बात करते हैं। तो हमने अपने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को कंपेयर करना है, तो कंपेयरिंग या फिर आप लिख सकते हैं इक्वेटिंग। ठीक है, तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा कि हमने देखा कि हमारे पास माइनस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में डी टी इज इक्वल टू हमारे पास मिल रहा है के कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डी टी को उधर ट्रांसफर करेंगे, ए को इधर ट्रांसफर करेंगे, जैसा कि हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी देखा था। तो ओवर आर करते हुए मैं इधर थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि अगर उस जरूरत पड़ेगी तो उधर भी मैं यूज कर लूँगा। ओ आर आर यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा के डी टी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ऑन इंटीग्रेशन, ठीक है, ऑन इंटीग्रेशन, अब हम जब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो माइनस हमारे पास चूंकि बाहर निकल जाता है इसलिए मैंने माइनस को बाहर लिख दिया, एंड यहाँ पर हमारे पास डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पर के हमारे पास चूंकि कांस्टेंट है तो यह भी इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाता है इसलिए मैं बाहर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ओके, देखो बच्चों, मैं यह बात जानता हूँ, हो सकता है बायो वाले बच्चों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम पूरा फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको पहले यूनिट और दूसरे यूनिट में कुछ मैथमेटिकल टर्म्स देखने को मिलेंगे, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। और मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो आई नो आप सभी को पहले से ही चीज़ें पता होंगी कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे स्टेप्स ले रहा हूँ मैं, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ी से लेकर चलूँगा। ठीक,
ठीक है। तो फिलहाल जो चीज़ें मैं आपको समझाया उन्हीं चीज़ों का मैं उपयोग कर रहा हूँ, तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो हमने टाइम को कहाँ से कहाँ तक वेरी किया था, हमने टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर पहले देखा था, फिर टाइम टी इज इक्वल टू टी पर हमने देखा। तो जब हम टाइम टी इज इक्वल टू जीरो कर रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में जो कंसंट्रेशन टर्म है उसमें भी यहाँ पर हम कंसंट्रेशन को लिखेंगे। तो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट था, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है, टाइम टी इज इक्वल टू टी पर हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वह कंसंट्रेशन ऑफ ए के बराबर हो जा रहा है। तो चूंकि इधर हमारे पास टाइम के रिस्पेक्ट में हम लिख रहे हैं और यहाँ पर हम कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर यह लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, यह भी लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, यानी कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो लोअर लिमिट को ध्यान में रखते हुए और अपर लिमिट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ओके। तो इसके बाद अगर हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, देन यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हम डी ए अपॉन में ए है तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा लॉग, ठीक है, ऑन बेस ई यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए। और यहाँ पर चूंकि लोअर लिमिट कितना है, हमारे पास ए नॉट है, अपर लिमिट क्या है, हमारे पास ए है, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू रख दिया, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास लॉग इतना होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और इसका हमारे पास टी हो जाएगा, तो यहाँ पर टी हो गया, एंड चूंकि 1 इंटू डी टी है तो t हो जाएगा, एंड यहाँ पर हमारे पास लोअर लिमिट 0 से t पर वेरी कर रहा है। अब इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, एंड यहाँ पर जो हम पहले इस वैल्यू को रखेंगे फिर इस वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग ऑन बेस e, एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ a, इसके जहाँ पर ये हमने रख दिया। अब इसकी जहाँ पर ये रखना है तो माइनस, एंड ये माइनस हमारे पास पहले से है तो ये प्लस कर देगा, तो इस प्रकार यहाँ पर हो जाएगा लॉग ऑन बेस ई एंड ए नॉट हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, के, एंड यहाँ पर हमारे पास पहले टी आएगा फिर माइनस आएगा, जीरो लिखा जाएगा तो जीरो हमारे पास ख़त्म हो चुका है तो इसलिए इसे हम हटा देंगे, तो ओवरऑल हमारे पास क्या मिलेगा, के टी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आए होंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। हमने नॉर्मली इंटीग्रेट किया और कुछ भी नहीं किया, तो ओ आर आर लिखते चलिएगा, इससे आपका थोड़ा सा नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई, तो अब इतनी बातें अगर आपको समझ में आ चुकी हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस टर्म है तो माइनस टर्म को हम उधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं तो प्लस टर्म में इधर आ जाएगा, तो लॉग ऑन बेस ई कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट एंड माइनस लॉग ऑन बेस ई एंड यहाँ पर हो जाएगा ए इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा के टी, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि आप सभी के लिए एक फार्मूला है, आप लोग ध्यान देते हुए चलिएगा, आगे बढ़ते हैं और फिर सारी चीज़ों को हम एक एक करते हुए समझते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है, हम लोग बहुत पहले पढ़े होते हैं, लॉग यम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू होता है लॉग एम अपॉन में एन होता है, यह हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है। इसी फार्मूले का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यह m है और यह n है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर इसको हम लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास log ऑन बेस e, ठीक है, एंड यह m है यह n है तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा a नॉट अपॉन में हमारे पास हो जाएगा a, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा के टी, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग लॉग को एंटी लॉग में यहाँ पर बदलना है तो हम यह कैसे स्टेप करते हैं इस पर बात करते हैं। तो अगर हमें लॉग को एंटी लॉग में बदलना है तो आप लोग ऐसे नॉर्मली समझिए कि लॉग को मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर मिलेगा ए नॉट अपॉन में ए हो जाएगा, ठीक है। और जब हम लॉग को उधर ट्रांसफर करते हैं ना तो यह ई में बदल जाता है और जो भी चीजें हैं वो पावर में चली जाएंगी, तो इस प्रकार यहां पर केटी हो जाएगा, ठीक है। कुछ मैंने गलती तो नहीं ना कर दिया, यहां पर माइनस है, यहां पर सारी चीजें सही है, माइनस है, माइनस को मैंने सारी चीजें सही है ना, हाँ ठीक है, सारी चीजें सही है। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन मिला है या फिर इसी को ही हम और भी तरीके से लिख सकते थे, कैसे लिख सकते थे, आप लोग अगर बुक में देखेंगे तो ये उल्टा दिया होगा, मतलब कि आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a कंसंट्रेशन ऑफ a अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ a नॉट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस kt, आप लोग बुक में देखेंगे तो ऐसा भी देखने को मिलेगा।
और हमने ड्राइव किया तो ऐसे मिला, ठीक है। तो इसको ही हमने उलट दिया, तो इस प्रकार हमारे पास एक एक्सप्रेशन मिल चुका है। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन मिला है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं कि यह एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैंने क्या बोला कि यह जो हमारे पास एक्सप्रेशन है यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। और इसी की सहायता से भी हम और भी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल हमने इतनी चीज़ों पर बात किया, तो इसे आप लोग एक इक्वेशन बना लीजिए थर्ड, क्योंकि हम इसी की सहायता से इसका इंटीग्रेटेड रेट अलाउ ड्राइव करेंगे। यह हमने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन ड्राइव किया, क्योंकि कई बार आप सभी से एग्जाम में एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन भी पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने क्या किया, दिस इक्वेशन इज नोन एज इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, हम इसे कहते हैं। अब इस इक्वेशन थर्ड का हम उपयोग करते हुए और भी आगे चीजों को ड्राइव करेंगे, लेकिन आप लोग इतनी चीजों का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे चीजों पर बात करना शुरू करते हैं। तो इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, तो अब चलिए अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर हमने क्या किया है, हमने अपने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को हमने ड्राइव किया, जो कि हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लोग ऐसा लिख लीजिए सिंस, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली हमारे पास एक फार्मूला है और इस फार्मूले की सहायता से हमने बात किया है कि इस स्टेप से हम इस स्टेप की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। ओके, अब आप लोग अगर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, वैसे आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, इसी को ही हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे ओ और करते हुए यहाँ पर ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू ए नॉट को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास ए नॉट एंड इनटू ई रेज टू द पावर माइनस के टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यह भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो जाएगा। ओके, तो ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि आप इस एक्सप्रेशन को भी कह सकते हैं कि यह एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को भी कह सकते हैं कि यह एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को भी कह सकते हैं कि यह एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं, यहां पर भी छोड़ सकते हैं और यहां पर भी छोड़ सकते हैं। दोनों सिचुएशन में, तीनों सिचुएशन में यह हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो आप लोग इतनी चीजों का अगेन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके, सारी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन हो चुका होगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने इक्वेशन थर्ड से ही अब आगे बढ़ना है, और ये हमने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन जब ड्राइव कर लिया है तो हमारे पास अगला स्टेप जो है वो बहुत ही आसान है, और हम दो स्टेप में अपने इस लेक्चर में जो डिटरमाइन करना चाहते हैं, जो ड्राइव करना चाहते हैं, वो ड्राइव अब हम कर ले जाएंगे, ठीक है। तो हम लगभग यहाँ से इतने स्टेप फिर से चलेंगे और हमारा काम हो जाएगा। और ये हम एक्चुअली क्या ना कि आप सभी से कई बार एग्जाम में एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन पूछ लेता है, ठीक है, जो इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है ना, वो ना पूछते हुए, रेट इक्वेशन ना पूछते हुए एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन पूछ लेता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए चीज़ों को मैं सोचा आपको बता देता हूं, नहीं तो आप लोग बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सोचते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन कहाँ से आ गया, ये तो हमने टर्म ही नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताना वाजिद समझा, शायद वाजिद ही कहते हैं ना, हाँ मतलब जायज हमने समझा। ओके, आइए बात करते हैं, अब इक्वेशन थर्ड से हम फिर से शुरुआत करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है, हम इक्वेशन थर्ड से अगर बात करते हैं तो हमने लिखा था कि वहाँ पर हमारे पास था के टी इज इक्वल टू लॉग ऑन बेस ई कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन में हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ओ आर आर करते हुए
टी को हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि हमें के के लिए ही रेट एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, क्योंकि रेट वही तो है, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट के लिए हमें रेट एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना होता है। तो इसलिए हम के इज इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं, टी को उधर मैं ट्रांसफर करूंगा तो वन अपॉन में टी हो जाएगा लॉग ऑन बेस ई, ठीक है, लॉग ऑन बेस ई, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन में हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए। ओके, अब यहां पर आप सभी को यह बात पता होना चाहिए, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ध्यान दीजिएगा। सिंस, ठीक है, लॉग ऑन बेस ई ए, ठीक है, मतलब अगर हम किसी भी वैल्यू के लिए लॉग हम ऑन बेस ई को लॉग ऑन बेस 10 पर ट्रांसफर करना चाहते हैं उसी वैल्यू के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और यहां पर लिखना पड़ता है लॉग ऑन बेस 10 ए, ठीक है, मतलब इतना इज इक्वल टू इतना होता है। ओके, तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, इस ए को हम यहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जब हम इस वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां पर भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि इस वैल्यू को अब इस वैल्यू के फॉर्मेट में हम लिखने वाले हैं, यानी कि ऑन बेस ई को हम ऑन बेस 10 हम कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, देन हमारे पास यहां पर के इज इक्वल टू मिलेगा, देन के इज इक्वल टू हमारे पास मिलेगा 2.303 एंड टी हमारे पास 1 अपॉन टी है, तो इसलिए मैंने यहां पर टी लिख दिया, ठीक है, एंड यहां पर हमारे पास हो जाएगा लॉग ऑन बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन में हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, एंड दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज रेट इक्वेशन फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये हमारे पास फाइनल स्टेप है, ठीक है। तो इस प्रकार यहां पर लिख सकते हैं, दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज क्या कहते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं कि यह हमारे पास है रेट इक्वेशन फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना, इतनी बातें समझ पाए। अब यहां पर आप लोगों के दिमाग में यह चल रहा होगा कि सर जी इसे क्यों खाली रखे हैं, तो इसके बारे में भी आपको मैं बताता हूं, ठीक है। तो यहां तक बातें समझ में आई, हाँ, पहले आप लोग कमेंट करिए कि हाँ हाँ सर बिल्कुल इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने इक्वेशन थर्ड ऊपर उठाया, इक्वेशन थर्ड तक आप लोग समझ ही चुके थे, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन भी हमने वहां से निकाल लिया था। तो अब हमने क्या किया, इक्वेशन थर्ड का हमने उपयोग किया और उसी की सहायता से हमने यहां पर भी बातें कर लिया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ड्राइव करिए या फिर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन ड्राइव करिए फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो वहां पर रुक जाना है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि आप लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन ड्राइव करिए, तो आपको थर्ड इक्वेशन के बाद एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ड्राइव कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। आप इक्वेशन थर्ड के बाद यहां पर स्टेप आइए और इस स्टेप की सहायता से आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा, जितना आप अच्छे से कर सकते हैं उतना ही आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा। ओके, तो यहां पर ये बातें समझ में आ चुकी हैं, लेकिन आप सभी से एक बात मैं यह बताना चाहता हूं, कई बार आप सभी से एग्जाम में ना इस एक्सप्रेशन को ना देते हुए एक दूसरा एक्सप्रेशन पूछ लिया जाता है। वह कौन सा एक्सप्रेशन होता है, उसे बोला जाता है कि जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसका रेट इक्वेशन होता है 2.303 अपॉन में टी लॉग ऑन बेस 10 ए अपॉन में ए माइनस एक्स होता है। आप लोग कई जगहों पर इस एक्सप्रेशन का भी उपयोग करते हुए देखे होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में इस एक्सप्रेशन को कैसे ड्राइव करते हैं, इस पर भी हम बातें कर लेते हैं, क्योंकि कई बार आपसे इस फॉर्मेट में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस पर भी चलिए हम बातें कर लेते हैं कि ये कैसे होता है। एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास थोड़ा टाइम है, हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टाइम नहीं मिला था, नहीं तो वहाँ पर भी मैं इस बात को डिस्कस करता। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, हमने सपोज किया था एक रिएक्शन जो कि ए से प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा था। तो हमने बोला था टाइम टी इज इक्वल टू जीरो समय पर ए का जो कंसंट्रेशन है वह ए नॉट है,
तो हम सपोज कर लेते हैं कि यह जो ए नॉट है वह ए के बराबर है, स्मॉल ए के बराबर है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जीरो होगा। टी इज इक्वल टू टी टाइम पर हमने बात किया था कि इस रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन ए हो चुका है, और मैंने बोला था कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एक्स बन चुका है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में यह बात होगा कि रिएक्टेंट ए का एक्स मोल जो होगा वह प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हुआ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ए माइनस एक्स यहां पर हमारे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बचेगा। तो अब इन्हीं वैल्यूज को हम यहां पर पुट कर देंगे, ए नॉट इज इक्वल टू ए और ए इज इक्वल टू हमारे पास ए माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसी को ही यहां पर हम पुट करेंगे तो हमने जो एक्सप्रेशन लिखा था वह एक्सप्रेशन हमारे पास मिल जाएगा। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इतनी बातें आपको समझ में आई, ठीक है ना? एक मिनट रुकिएगा, इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आ चुकी हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इसी को ही हम वर्ड्स के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, और एक काम करता हूँ और भी चीज़ों को मैं समझा देता हूँ। आप लोगों को जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में भी मैंने आपको बताया था, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमने रेट एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था वो क्या था हमारे पास, ए नॉट माइनस में ए अपॉन में हमारे पास था टी, ये हमने निकाला था, है ना? याद होगा, याद नहीं है तो कॉपी में पेज पलट कर देख लीजिए। अब यहाँ पर भी इन वैल्यूज को रख कर देख लीजिए, तो यहाँ पर जब हम इन वैल्यूज को रखेंगे तो ए नॉट के जहाँ पर ए हो जाएगा, माइनस ए के जहाँ पर ए माइनस एक्स हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर पहले से ही माइनस है तो यह इसको माइनस बना देगा, यह इसको प्लस बना देगा, अपॉन में टी हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स अपॉन में टी हो जाएगा। तो जो मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप सभी से बताया था कि हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट एक्सप्रेशन होता है वह एक्स अपॉन में टी भी होता है, तो वो कैसे आता है इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर समझाया, और वहाँ पर मैंने डायरेक्ट बताया था क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे पास क्या मिला, यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी रेट एक्सप्रेशन हमने बताया कि x अपॉन में t कैसे बनता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी मैंने आपको बताया। तो अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम यहाँ पर वर्ड्स के फॉर्मेट में लिख लेते हैं क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब इस पर भी बात कर लेते हैं, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर आप लोग सोचिए और चीज़ों को समझना शुरू करिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक अलग तरीके से चीज़ों को लिखवा दे रहा हूँ, लेट, ठीक है। आई थिंक इतने डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को कोई भी नहीं समझाया होगा यूट्यूब पर, ठीक है, बट आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हुआ है, और हम कह रहे हैं कि एंड हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू हमने ए ले लिया, एंड यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ पर ए माइनस एक्स हमने ले लिया, ठीक है। देन रेट एक्सप्रेशन, ठीक है, रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज क्या हो जाएगा, यहां पर हमारे पास हो जाएगा के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग ऑन बेस 10, ठीक है, एंड ए नॉट की जहाँ पर हमने लिखना है ए अपॉन में ए के जहाँ पर ए माइनस एक्स लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक हमने और भी एक्सप्रेशन ड्राइव किया है, और इसको भी हम कहते हैं रेट इक्वेशन ही फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये बातें भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आप लोगों को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से सोचने को मिलेगा कि अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है, और इससे पहले भी हमने एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन भी ड्राइव किया था, वो भी होता है, ठीक है। तो आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी, आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यह हमने अपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर भी बातें कर लिया है। अब इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे, स्क्रीनशॉट फटाफट से लीजिएगा, ठीक है। अब इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। अगले लेक्चर में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अभी ग्राफ पर बात करना है, हाफ लाइफ पीरियड पर बात करना है, क्योंकि यहाँ से आप सभी से एग्जाम में क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करते हुए जरूर अच्छे से बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे
तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।